बकायर निकले भैया, आप मुझे अकेले छोड़ करके कैसे मर सकते भैया कैसे? आपने जरा भी नहीं सोचा भैया अपनी छोटी बहन पिंकी के बारे में कि मेरी छोटी बहन पिंकी इतनी बड़ी दुनिया में अकेली कैसे रहेगी भैया कैसे रहेगी? इस दुनिया में जाने किस किस तरह के लोग रहते, कैसे कैसे लोग रहते भैया, ना जाने लोग मुझे किस किस नजर से देखेंगे भैया, और मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी भैया इतनी बड़ी दुनिया में भैया? मुझे इस हाल पे छोड़ के कि मैं मर भी नहीं सकती, लेकिन भैया मैं भी मर जाऊंगी आपके। नहीं भैया, नहीं जीना भैया, मैं भी कोशिश करूंगी मरने की, और मैं भी इसी दुपट्टे से अपने गला घोट लूं, मैं भी आ रही हूं भैया। हाँ प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी पे जरा गौर करें। महारानी तारा अपने पति महाराज अजय सिंह को भोजन में खूनी जहर मिलाकर खिला गई और ये समझ गई कि महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए महाराज। और ये समझकर महारानी तारा अपने पति की लाश को वहीं पे छोड़कर उल्टे पांव वापस चली गई। इतने में महाराज अजय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह और उनकी छोटी बहन पिंकी जब मौके वारदात पे पहुंचे तो उन्होंने देखा अपने बड़े भाई की लाश, और ये देखकर दोनों अवाक रह गए, अपना आपा खो बैठे, और बड़े भाई के वियोग में उनके छोटे भाई और उनकी छोटी बहन दोनों ने ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए अपने हाथों अपना गला घोंट कर बड़े भाई के वियोग में दोनों ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद साथियों होनी को तो कुछ और ही बता है, लेकिन कहा गया है कि होनी तो होकर रहे अनहोनी न होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आगे की कहानी पे आप लोग गौर करें।
भाई को क्या हो गया पीछे? अरे पिंकी, पिंकी, पिंकी। बच्चों को, इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन बच्चों को मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा और अच्छे से अच्छे डॉक्टर द्वारा इन दोनों बच्चों का मैं इलाज करवाऊंगा, लेकिन कुछ होने नहीं दूंगा इन्हें, कुछ होने नहीं दूंगा इन्हें। आज एक हफ्ते गुजर रहे हैं, दोस्त विजय से मुलाकात नहीं हुई, रहने मुझे अपने दोस्त की याद आ रही है। क्या बात है बिहारी लाल, तुम रोते हुए मेरे पास आए हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भाईजान बड़ा गजब हो गया, महाराष्ट्र की लाल रात दरबार में पड़ी हुई है भाईजान। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाईजान, या खुदा, या मेरे मालूम, ये दरबार क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ भाईजान, या भाई, चलो इसी वक्त हम राज दरबार चलते हैं और देखते हैं कि
कि महाराज को क्या हो गया। चलिए भाई जाना। क्यों बिहारीलाल भैया तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं तुम अनवर से झूठ बोल रहे हो। यह तो महाराज की लाश नहीं है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है भाईजान। देर करने का वक्त नहीं है। हाँ आओ हम महाराज की लाश को खोज करते हैं। चलिए भाईजान। मिठाई मांगेंगे और खिलौने मांगेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कौन कहता कुछ भी नहीं है? मेरे पास सब कुछ है। इन बच्चों के लिए मैं मिठाई लाने जा रहा हूँ, खिलौने लाने जा रहा हूँ, और तब तक ये बच्चे सोते रहेंगे। और किसी ने भी अगर इन बच्चों को जगाया तो याद रखना, मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा शैतान कोई नहीं। याद रखना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिहारीलाल भाईजान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा दोस्त भी है, मेरी बहन पिंकी, दोनों आराम फरमा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हम अपने दोस्त को जगाते हैं। दोस्त या खुदा, ये इनवर क्या देख रहा है? बिहारीलाल मेरा दोस्त भी नहीं और मेरी बहन पिंकी
उस खुदा पाक को प्यारे हो गए। दोस्त मुझे आंखें खोलो मेरे दोस्त, देखो तुम्हारा दोस्त अनवर आया है। क्या हुआ है मेरे दोस्त तुमको, तो बता बाजरा जल्द मुझे उठाओ और मेरी बहन पिंकी की लाश उठाओ। आज मैं पीरसा बाबा के मजार पे जाएंगे और अपने दोस्त की जिंदगी के लिए पीरसा बाबा से दुआएं मांगेंगे। तुम्हारे सिवा मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है दोस्त मुझे।
भाई श्या बाबा। आज ही अनवर अपने दोस्त की लाश को लेकर तुम्हारी चौखट पर आया है और अपने दोस्त की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा है। अनवर की दुआएं कबूल कर दो। अनवर हाथ उठा करके दुआएं मांगता है, अनवर की दुआएं कबूल कर दो। कर दो मेरे मौला कर्म की वार हो जाए और कर्म इतना करो कि बेड़ा पार हो जाए और कर्म कर्म का तुझे शब करीम कहते हैं और रहम रहम तुझे शब रहीम कहते हैं। तो करम तुझ में नहीं तो करीम तेरा नाम नहीं और रहीम तुझ में नहीं तो रहीम तेरा नाम नहीं। या अल्लाह या मेरे पाक परवरदिगार या ख्वाजा गरीब नवाज अनवर की दुआएं कबूल कर दो। कि भरते झोली कि भरते झोली मेरी या मोहम्मद भर दे झोली मेरी या मोहम्मद कि लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली कि लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कि भर दे झोली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। आया हूँ
के झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भारत झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए चाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए करम है तुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए चाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए करम है तुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए तुम्हारे डर का गाना हो तो भीख मिल जाए कि भर के झोली मेरी या मोहम्मद कि लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए करम है तुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए करम है तुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए तुम्हार डर का गाना हो तो भीख मिल जाए कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद कि लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली झोली मेरी या मोहम्मद कि लौट कर मैं न जाऊंगा खाली या मेरी मौला आज तुम्हारी चौखट पर अनवर की दुआएं कबूल नहीं हुई तो आज अनवर अपने दोस्त के लिए अपनी बहन पिंकी के लिए तुम्हारी चौखट पर कुर्बान होगा।